वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर जिम में लोगों को डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाउडर्स के नाम लेते हुए सुना होगा, या अगर आपने ऑनलाइन प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सर्च किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं जिनमें की प्राइस का काफी डिफरेंस होता है। तो हो सकता है आपके मन में ये सवाल आया हो कि इन सभी में से आपके फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसलिए बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेजरली थ्री टाइप्स के प्रोटीन के बारे में, जो कि है वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं वे कॉन्सेंट्रेट के बारे में। वे कॉन्सेंट्रेट सबसे लीस्ट प्रोसेस्ड वे प्रोटीन है, इसलिए इसमें जनरली 70-80% के आसपास प्रोटीन कंटेंट होता है। बाकी का पार्ट कार्ब्स, फैट्स एंड लैक्टोज के रूप में होता है। और वहीं अगर हम बात करें वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज्ड के बारे में, तो ये एक हाईली प्रोसेस्ड वे प्रोटीन्स हैं जिनमें की जनरली 90% तक प्रोटीन कंटेंट होता है। जहां वे आइसोलेट में कार्ब्स, फैट्स एंड लैक्टोज की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है, वहीं वे हाइड्रोलाइज्ड में कार्ब्स, फैट्स एंड लैक्टोज बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए वे कंसेंट्रेट में लैक्टोज होने के कारण डाइजेशन इश्यूज लाइक गैस, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सो इसलिए जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो इस प्रोटीन टाइप को कंज्यूम नहीं कर सकते, एंड साथ ही लैक्टोज होने के साथ ये इसे स्लो डाइजेस्टिव बना देता है। वहीं वे आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड क्योंकि हाईली प्रोसेस्ड होते हैं तो इनमें लैक्टोज की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, जो कि इन दोनों को इजी एंड फास्ट डाइजेस्टिव बनाता है। तो बात करें इन प्रोटीन्स के स्पेसिफिक यूजेस के बारे में, तो कार्ब्स एंड फैट प्रेजेंट होने की वजह से वे कॉन्सेंट्रेट को यूजली मसल गेन के साथ साथ वेट गेनिंग में भी यूज किया जाता है। वहीं अगर आप मसल गेन के साथ साथ वेट को मेंटेन या वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप वे आइसोलेट या फिर वे हाइड्रोलाइज के साथ जा सकते हैं। एंड लास्टली अगर बात करें इनके प्राइस डिफरेंस के बारे में, तो क्योंकि वे कॉन्सेंट्रेट एक लीस्ट प्रोसेस्ड वे प्रोटीन होता है, इसलिए ये बाकी दोनों के मुकाबले चीप एंड अफोर्डेबल होता है। वहीं वे आइसोलेट की बात करें तो क्योंकि इसमें फैट्स एंड कार्ब के साथ साथ लैक्टोज की क्वांटिटी काफी कम होती है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली भी होता है। एंड लास्टली क्योंकि वे हाइड्रोलाइज्ड में नो कार्ब नो फैट के साथ साथ लैक्टोज भी ना के बराबर होता है, साथ ही ये बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा प्रोसेस्ड होने के कारण ये सबसे महंगा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज्ड के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए इन प्रोटीन्स के डिफरेंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे फिट।